जिला कारागार में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने जेल रेडियो गोरखपुर लाइव का फीता काटकर शुभारंभ किया। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने आश्वासन दिया कि हर क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रतिदिन कारागार पर आकर बंदियों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। विधि, न्यायिक, योग, पुनर्वास, मनोरंजन आदि के विशेषज्ञ बंदी से प्रतिदिन सीधा संवाद होगा तथा बंदियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी होगा। जेल रेडियो के शुभारंभ में आकाशवाणी गोरखपुर में एंकर अमृता धीर मल्होत्रा का संचालन एवं प्रस्तुति में सराहनीय योगदान रहा है। तकनीकी सहयोग में इंजीनियर रवि मौर्य, कन्हैया लाल व राजीव शर्मा का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञ के सहयोग से जेल रेडियो के अपग्रेडेशन तथा उपयोगी कार्यक्रमों के निरंतर जारी रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, उप जेलर विजय राय, विश्वनाथ पांडे, अश्विनी कुमार उपाध्याय, अमित श्रीवास्तव, कृष्णा कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रेडियो जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, इस रेडियो का उद्देश्य यही है कि आपके बीच में जो 10 हमारे पीएलबी रहेंगे वो पहुंचा करेंगे। आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाती, हम तक तो उनके माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। हमारे जज साहब भी हैं, सीजीएम साहब भी हैं, इनके माध्यम से पहुंचाएं, नहीं तो आप अपनी बात रेडियो के माध्यम से चाहे अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हम एक नंबर भी देके जा रहे हैं, आपको यहां से वो बात भी करा दिया करेंगे और आप प्रत्येक दिन आपको यहां से संबोधन होगा, आपके पास एक व्यक्ति जाएगा, आपकी जो भी समस्या है मुकदमे से संबंधित, जमानत से संबंधित, वकील से संबंधित, आपका वकील नहीं हो क्योंकि भारत का संविधान से बड़ा कुछ है जिस हिसाब किताब के तहत मैं हूं वह है परमा अगला जन्म। चलो मान लिया, आप में से कितने लोग अगला जन्म पिछला जन्म देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, लेकिन मान लेते हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, इसलिए मान लेते हैं। लेकिन एक बात सही है, मुझे भी नहीं मालूम अगला जन्म पिछला जन्म, मैंने भी नहीं देखा है कि कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब करता जरूर होगा, नहीं तो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का कोई दोषी नहीं है। जिसने जन्म नहीं लिया, जिसने कोई कर्म ही नहीं किया, वो सही क्या, गलत क्या, दोषी क्या, निर्दोष क्या, अपराधी क्या, निर्दोष क्या, उसको सजा क्यों देती है? तो एक बात तो सही, मेरी ड्यूटी है, मेरा भी कोई हिसाब किताब कर दिया है, उसी हिसाब किताब के तहत मैं दौड़ रहा हूं। छोटा सा एक प्रयास कि आप डेली मुझसे न मिल सको तो भी आपकी बात मुझ तक पहुंच सके। आप एक रेडियो जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, इस रेडियो का उद्देश्य यही है कि आपके बीच में जो 10 हमारे पीएलबी रहेंगे वो पहुंचा करेंगे। आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाती, हम तक तो उनके माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। हमारे जज साहब भी हैं, सीजीएम साहब भी हैं, इनके माध्यम से पहुंचाएं, नहीं तो आप अपनी बात रेडियो के माध्यम से चाहे अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हम एक नंबर भी देके जा रहे हैं, आपको यहां से वो बात भी करा दिया करेंगे और आप प्रत्येक दिन आपको यहां से संबोधन होगा, आपके पास एक व्यक्ति जाएगा, आपकी जो भी समस्या है मुकदमे से संबंधित, जमानत से संबंधित, वकील से संबंधित, आपका वकील नहीं हो क्योंकि भारत का संविधान से बड़ा कुछ है जिस हिसाब किताब के तहत मैं हूं वह है परमात्मा ईश्वर अगला जन्म। चलो मान लिया, आप में से कितने लोग अगला जन्म पिछला जन्म देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, लेकिन मान लेते हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, इसलिए मान लेते हैं। लेकिन एक बात सही है, मुझे भी नहीं मालूम अगला जन्म पिछला जन्म, मैंने भी नहीं देखा है कि कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब करता जरूर होगा।
नहीं तो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का कोई दोषी नहीं है। जिसने जन्म नहीं लिया, जिसने कोई कर्म ही नहीं किया, वो सही क्या, गलत क्या, दोषी क्या, निर्दोष क्या, अपराधी क्या, निर्दोष क्या।